हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। और मैंने जैसे कि बोला था आपको, बताऊंगा मैं कि दड़वे की साफ सफाई कैसी करनी है जिसके वजह से कीड़े रहते हैं। देखो मेरे यहाँ पे साफ करने का है अभी, लेकिन यहाँ पे अभी भी कीड़े नहीं है। तो मैं क्या यूज करता हूँ, कैसे होता है ये साफ सफाई, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों को मैं उठाऊंगा, उठा के साइड में रख देता हूँ इनको। फिर एक प्लायर की मदद से इसको ऐसे निकाल दूंगा। देखो यहाँ पे एक भी कीड़ा नहीं है, देखो एक भी कीड़ा नहीं है। आपके दड़वे में कितने कीड़े रहते हैं आपको पता है ना? तो मेरा कल का वीडियो देख लो आप, उसमें मैंने बताया हुआ है साइफर मीथेन बोला हुआ है। मैं इसको पहले साफ कर लेता हूँ, अच्छे से साफ कर लेता हूँ। देखो एक भी कीड़ा नहीं है, आपको एक भी कीड़ा नहीं दिखेगा। एक हाथ कीड़ा तो दिखेगा ही ऐसा, लेकिन आपके पास में जितने रहते उतने तो है। ये हो गया भैया दड़वा साफ आपका। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो मैंने आपको बताया था कल मॉर्निंग की वीडियो में, साइफर मीथेन 25% वाला, उसकी बॉटल आपको लेके आना है। बता देना, मेरी आवाज सुना देना, साइफर मीथेन 25% वाला, और उसका फवारनी इधर करने का है आपको। ठीक है, इसका नोजल थोड़ा सा मैं ढीला कर देता हूँ, ये इस प्रकार से। अच्छे से फवारनी करना है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे छोटे होंगे तो नहीं, जैसे कर देना, ज्यादा मत करना। तो ठीक है, ऐसे फवारनी कर दी आपने। थोड़ा अगर आप फर्स्ट टाइम होगा तो नाक के ऊपर में कपड़ा बांध के करना आपने, ठीक है। मैं रिकमेंडेड आपको यही करूँगा। फिर इसमें आपको कीड़े दिखेंगे, यहाँ पे कीड़े दिखेंगे। मेरा दड़वा पूरा साफ है, एक भी कीड़े नहीं है, इसलिए आपको तो दिखेंगे नहीं। यहाँ पे आपको कीड़े दिखेंगे, वो थोड़ी देर के बाद में मर जाएंगे। तो फिर वो मरने के बाद में एक बार साफ कर देना आपने, एक बार फवारनी कर देना फिर से इसी लिक्विड का। और यहाँ पे जो भी है, मैं ये कोंडा डालता हूँ, इसको कोंडा बोलते हैं हमारे इधर में, जो चावल के ऊपर का जो घास होता है वो, उसको डाल के फिर बच्चे को रख दूंगा। बस इतना ही तो करना है। इसके वजह से ये बांस से ना मच्छर भी नहीं आता, समझे दोस्तों, इतना सिंपल करना है। मैं देखो अभी आपको बताता हूँ, बस हो गया, इतना सिंपल है। हमने यहाँ पे कोंडा डाल दिया, यहाँ पे बच्चे को रख देंगे, हो गया इनफ, फिनिश, इतना ही है। इतना सिंपल होता है, लेकिन हम लोग को समझाता नहीं ना भाई कोई, इसलिए हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।